एक अलावा चंदन टीका मंदिर में जाने के लिए तो कुत्ते चले जाते हैं, वहां नहीं। अब तो हमें देश के सबसे बड़े लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी जा रही है। शायद तुम इस तरह हिटलर शाही की बात कर रहे हो, तुम हमसे सवाल पूछ रहे हो कि यह बच्चा को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है कि भैंस चलवाना है। ऐसा है, आप कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हो समाज को, आप कह के और बहुजनों को बर्बाद करने पे लगे हुए हो क्या? क्यों मानसिक गुलाम बना रहे हो? उसी गुलामी से छुटकारा लेने के लिए ये देख रहे हो, उसी की लड़ाई लड़ी जा रही। आप जैसे लोग हैं, आप कौन सी मीडिया से हो पहले तो ये बताओ। मैं समय दिल्ली में हूँ और मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं और जिनको हम ओबीसी कहते हैं, वो तबका जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि सोया हुआ हाथी है, जिस दिन जग गया उस दिन देश पर राज करेगा। यूपी बिहार में सरकारें भी बनी लेकिन कहीं कमी रह गई। अब धर्म की ऐसी हवा चली है कि सब उसमें बह रहे हैं। सुधांशु हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और बाकी लोग सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो अब तो खुश रहिए, राम मंदिर बन गया, जय श्री राम, हर हर महादेव। ये आप कह के और बहुजनों को बर्बाद करने पे लगे हुए हो क्या? क्यों मानसिक गुलाम बना रहे हो? उसी गुलामी से छुटकारा लेने के लिए ये देख रहे हो, उसी की लड़ाई लड़ी जा रही। आप जैसे लोग हैं, आप कौन सी मीडिया से हो पहले तो ये बताओ। एक अलावा चंदन टीका मंदिर में जाने के लिए तो कुत्ते चले जाते हैं, वहां नहीं। अब तो हमें देश के सबसे बड़े लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी जा रही है, जब तक वहां नहीं जाओ। आप जो करेंगे सब ईश्वर करेंगे, प्रभु की लीला है। प्रभु के किए से कुछ जो करना है अपने दम पे करना है, कोई करने वाला बाहर से कोई नहीं आता है। हम संगठित कर आज राजा भी माँ के पेट से नहीं पैदा होता है, बटन की ओट की चोट से पैदा होता है, इसलिए हमारे संगठन की ताकत से ही। आपके नेता तो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं यूपी में। देखो, हम उनको भी कहते हैं कि ऐसा है, मानसिक गुलाम मत बनो हमारे। हम सबसे पहले एससी भाइयों को धन्यवाद देता हूं क्योंकि ये उन मानसिकता से दूर हो गए। आज भी बहुत से यादव जो मानसिक गुलामी में चल रहे हैं, मंदिरों में दान देना बंद कर दो, उससे अच्छा है अपने गरीब भाइयों के लिए पढ़ने शिक्षा पे रोजगार। दान की कहानी सुनाऊंगा, अच्छी कहानी है। पहले बात तो ये बताइए, देखिए मुझे किसी धर्म से ऐतराज नहीं है, लेकिन क्या लग रहा है आप लोगों का अधिकार कैसे सुरक्षित रहेगा? आप तो आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी नहीं, अच्छा है भैंस का दूध निकालिए, कहाँ सीएम पीएम के चक्कर में बने डॉक्टर इंजीनियर। शायद तुम इस तरह हिटलर शाही की बात कर रहे हो, तुम हमसे सवाल पूछ रहे हो कि यह बच्चा को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है कि भैंस चलवाना है। ऐसा है, आप कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हो समाज को। हमारे ही बच्चे, हम किसान हैं, हमारे ही बच्चे डॉक्टर इंजीनियर, अगर उस अनाज को खा करके हम लोग डॉक्टर इंजीनियर बने तो हमें बोलने का हक अधिकार भी मिला हुआ। हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। और एक चीज है, आज ये हिटलर शाही की जो सरकार आई, ये तो एकदम नौकरी खत्म कर रही थी। मोदी जी ओबीसी प्रधानमंत्री है, मंदिर बना दिए, मुसलमानों को टाइट किए, और क्या चाहिए? ऐसा है, अंग्रेजों की दूसरी औलाद है, यही तो भूल है, यही भूल है। इनको गोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से। ये चोरों की सरकार है, मनुवादी सभ्यता को फिर से लागू करना चाहती है। जेल जाएंगे जेल, क्योंकि एक बात बताओ जी, हम लोग तो कृष्ण वंशी है, हमारे पूर्वजों का तो जन्म ही जेल में हुआ, हम लोगों को जेल से डर नहीं लगता। और आप देख रहे होंगे लालू जी झुकना पसंद नहीं किए, जेल पसंद किए। तो हम लोग डरने वाले लोग नहीं है, वैसे खासकर बहुसंख्यक समाज में यादव समाज मार्शल कूम रही है, और जब भी इनके खिलाफ लड़ने की बारी आई है सड़क से संसद तक हम लोगों ने पहले इंजन क्या कीजिएगा आप तो काम किया। लालू, मुलायम, मायावती सब चोरों की लिस्ट में, मीडिया इस सबको चोर कहता है। देखिए ऐसा है, जब जब देश में कोई भी अत्याचार अन्याय होता है और उस अत्याचार अन्याय के खिलाफ जैसे लालू यादव ने 90 के दशक में चारपाई पे बैठने का हक दिलाया, वोट डालने का हक दिलाया, कुएं पे पानी भरने का हक दिलाया, आंख से आंख मिलाने का हक दिलाया, यही कसूर लालू जी का है जो आज उसको चारा चोल कहा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या ये गुनाह है दलित और पिछड़ों की लड़ाई लड़कर उनको न्याय दिलाना? अगर ये गुनाह है तो लालू यादव ही नहीं, बिजेंद्र यादव ही नहीं, प्रवीण यादव ही नहीं, पूरा जीवन जब तक है दलित और पिछड़ों के मानवीय बहुसंख्यक की लड़ाई लड़ेंगे और बाबा साहब के संविधान को बचाएंगे और लोकतंत्र को बचाएंगे। और ईवीएम हटाओ, भाजपा भगाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, मोदी भगाओ। इसलिए जब जब चाहे वो
आजादी से पहले उस समय भी इन लोगों ने अंग्रेजों की और मुगलों की गुलामी कर इस देश के साथ गद्दारी की थी, उस समय भी इसी बहुसंख्यक समाज के वीरों ने उनको इस देश से भगाने का काम किया था। और आज 74 साल के अंदर भी दलित और पिछड़ों पर अत्याचार होता है तो यादव समाज से लालू यादव, मुलायम सिंह और मायावती हो, दलित और पिछड़ों की लड़ाई लड़ती है। अगर आज वो लड़ाई लड़ते लड़ते उनको अगर वो किसी घोटालेबाज या चोर या कुछ भी वो कहते हैं तो हमें मंजूर है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के अंदर जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है, जो कातिल है, जो अत्यारा है, आज वो कानून का रक्षक है, कैसे आप समझते हो देश के अंदर कानून लागू होगा, कैसे समझते हो संविधान लागू होगा? मैं पूछना चाहता हूं देश के आज गृह मंत्री से, आपने कहा जेल जाएंगे, मैंने कहा बिना त्याग तपस्या बलिदान के, चाहे बाबा साहब हो, फूले हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, लल्लू यादव हो, मंडल हो, बिना त्याग तपस्या के बलिदान के एक भी आज तक कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने त्याग तपस्या बलिदान दिया जो आज हम उनके नाम से पूरे देश के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। इसलिए संघर्ष और बलिदान हमारे खून में है, ये हमारे हमारे देशभक्ति राष्ट्रभक्ति हमारे खून में है, इसलिए हम डरने वाले नहीं है। और रहा इस देश के तानाशाह इतलाशाही सरकार का, जल्द ही बहुसंघ समाज जैसे आज व्यू द पीपल लगातार सेमिनार के माध्यम से, चाहे वो जाति जनगणना का मतलब क्लीन मिलर का हो, चाहे उत्तर प्रदेश बिहार में फर्जी इनकाउंटर फर्जी मुकदमों की बात हो, तमाम लड़ाई को हम बहुसंघ इकट्ठा होकर इसको लड़ाई लड़ेंगे और 2024 में शासक की तरफ इस बहुसंघ समाज को लेके जाएंगे। इतना बड़ा जन राष्ट्रव्यापी आंदोलन हम करेंगे। तो ये दिखा रहे थे ओबीसी का एक प्रोग्राम हुआ था, वी द पीपल ऑर्गेनाइजेशन है और लोग हैं, मैं फिर कह रहा हूँ जागरूकता बहुत तेज़ी से फैल रही है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, लंबा गैप रहा है कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन नहीं था, लोग एक दूसरे से अब जुड़ रहे हैं और जो भी तमाम सोशल एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वो सब हैं, वो आपस में जुड़ रहे हैं। सुधांशु है मेरे साथ, सुधांशु लगातार 4-5 साल से आपको देख रहा हूँ, कितनी अवेयरनेस आई है और अब क्या करने की ज़रूरत है? नहीं, अवेयरनेस है लेकिन अभी बहुत, मतलब हम लोग लगता है कि शुरुआती बीज भी बीज डालने वाली स्थिति में है अभी, वो पौधा निकलेगा वाला और बहुत आगे चलने की ज़रूरत है। और एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो एक विद इन कम्युनिटी आपस में एक समझदारी विकसित तो हुई, जैसे एक नया चीज़ जो पिछले दिनों में हुआ है, पिछले 4-5 सालों में मैं देख रहा हूँ कि SC ST OBC आपस में एक दूसरे को अब समझने लगे हैं कि हम एक हैं। पहले तो अब ऐसे जो एट्रोसिटी एक्ट का जब आया था मुद्दा, उस समय एट्रोसिटी एक्ट OBC पे भी लगाया जा सकता है, उसके बावजूद भी OBC ने एट्रोसिटी एक्ट की लड़ाई लड़ी थी, तो वहाँ से एक नई दिशा तो पकड़ा है, सोशल जस्टिस की लड़ाई की एक नई दिशा हम मानते हैं उसको, 200-point roster की लड़ाई में भी बदलाव हमने देखा था, पर बदल रही है लेकिन अभी हम बहुत शुरुआती स्थिति में हैं, कोशिश लगातार की जा रही है। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मुसलमान तो पहले से ही देशद्रोही है। अरे भाई, आप जो चाहे समझो, हमारा एक ही मिशन है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना। लालू हो, माया हो, मुलायम हो, जब तक EVM से रोक रहे हैं, 96 से लालू जी को रोक रहे हैं, माया को रोक दिया, मुलायम को रोक दिया। देखिए 17 सीटें दिल्ली से BSP की आएगी, आपको जानकारी दे दूं, आप दलित समाज से हैं, 17 सीटें जब दिल्ली से आई थी काउंसलर की, तो रातों को मनोवादियों को नींद नहीं आ रही थी। ये तीसरी ताकत बना करके जो लेकर के आए, आज कुछ लोग यहाँ घूम रहे हैं, उसमें तुम भी जाल में फंसे और हम नहीं फंसने वाले, हम 30 साल से यहाँ घूम रहे हैं। वो उनको ख़त्म करने के लिए पहला भी यही नंबर इनका हो, कांग्रेस, BJP और आम आदमी, ये किसको ख़त्म कर रहे हैं? माया को, मुलायम को, लालू को, अजीत सिंह को, ये AVM से आ रहे हैं। अगर AVM हटा दो, सिर्फ दो ओनली सीटें होंगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की UP में। आप मेरी बात गांठ बांध दिए, जिस दिन पार्लियामेंट ये AVM हट जाएगा, इनका जीरो हो जाएंगे, जीरो। तो बहुजन समाज से जब आप बात करेंगे तो मोदी से भी ज़्यादा बड़े दुश्मन उनको EVM लगता है, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। करुणानिधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।